मैं ये जो एनटीए वाला जो इशू है, पेपर लीक वाला जो इशू है, उस पर कहना चाहूँ, किसी भी संगठन के बच्चे हो, सारे संगठन के बच्चों को एक मंच पे आना चाहिए। ये कॉमन समस्या है, उसका समाधान हम सबको हर बैनर तले, और जो भी बैनर इस डिमांड को अगर नहीं उठाता है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट के हित का है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक माहौल बना हुआ, एक गरीब इलाके से आने वाला बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसकी पीड़ा वही समझता है, कैसे तैयारी करता है, कैसे उस जगह पर पहुंचता है, वो कितनी दुविधा होती है उसके सामने, और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पेपर देके आता है, घर पे पहुंचता ही नहीं, उससे पहले उसको पता चलता है पेपर आउट हो गया। अधिकतर बच्चे यूथ में ये रहता है माहौल, बना जाता है, पॉलिटिक्स गंदी होती है, दूर रहना चाहिए, लेकिन राजनीति के थ्रू ही जो लोग जाते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं हमारे लिए। पॉलिटिक्स से हमें भागना नहीं, हमें उसमें ब्रीफ करना है, उसको समझना है, अच्छी जगह अच्छी पॉलिसी मेकर लोगों को, अच्छी विचारधारा को फॉलो करना है। पीएसए संगठन के बैनर तले आज ये एनटीए जो बहुत बड़ा इशू है, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है पेपर लीक को लेकर, और उससे राजनीतिक पार्टियां तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट है उन पे क्या बीत रही है वो आप लोग भली भांति समझ रहे हो, और मैं भी आप में से ही निकला हूं। मेरा सौभाग्य रहा, आज मैं कार्यक्रम था और कुछ साथियों ने मुझे पकड़ा कि आप हमारी बात को लोकसभा में रखें। मैं आपको अवगत करा दूं कि हम विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं, और इस मुद्दे को जोर शानदार तरीका से सदन में रखा गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आपने देखा होगा वो कैमरा गायब हो जाता है सदन के अंदर, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी अच्छी बात करते हैं, देश हित के लिए, युद्ध के लिए, या गवर्नमेंट का जो फेलियर है उस पर बात करते हैं तो कैमरा गायब हो जाता है, माइक बंद हो जाता है। और मैं लोकसभा का पहला अनुभव है, पहले मैं विधायक रहा, लेकिन यहां पर जो जानकारी मिली कि इस तरह का जो रवैया शायद पहले इतना नहीं होता था। आज एनटीए के थ्रू जो एग्जाम हो रहे सेंट्रलाइज कर दिया, मैं जो समझा, पहले सभी यूनिवर्सिटी अपने स्तर से कराती थी, लेकिन एक सेंट्रलाइज करके कुछ सीमित लोगों का उस पर कब्जा हो गया, और कुछ सीमित लोगों का किसी भी चीज पे कब्जा होता है तो अपनी मनमर्जी करते हैं, जो आज हो रही है। पूरे देश के स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पे उद्योगपतियों का बहुत बड़ा रोल है इसके पीछे। राजस्थान के अंदर हमने देखा जितने जो कोचिंग सेंटर, हाई लेवल के कोचिंग सेंटर जो बड़े होते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर होते हैं जो पेपर उनके हिसाब से कुछ आइडेंटिफाई कुछ क्लियर करके भेजा जाता है, और यही मैं ज्यादातर समझा एनटीए के द्वारा जो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को लगता है तो उनको पुरानी जो व्यवस्था थी यूनिवर्सिटी अपने स्तर से कराए उसी व्यवस्था से कराना चाहिए। आप लोगों की यही मांगे, आप लोग कह सके इस यूनिवर्सिटी कैंपस में और सड़कों पे, और ये आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि जब एक गरीब इलाके से आने वाला बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसकी पीड़ा वही समझता है, कैसे तैयारी करता है, कैसे उस जगह पर पहुंचता है, वो कितनी दुविधा होती है उसके सामने, और बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पेपर देके आता है, घर पे पहुंचता ही नहीं, उससे पहले उसको पता चलता है पेपर आउट हो गया। हमारे कोटा के अंदर आपने देखा होगा, एग्जाम में पास नहीं होने की वजह से, पेपर डिले होने की वजह से, पेपर आउट होने की वजह से कई लड़के आत्महत्या करते हैं, और कई जगह ये चीज हो रहा है। लेकिन वर्तमान मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से आता हूं, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा, और मैं हालांकि मैंने सुना है मैं जेएनयू में पहले भी आया हूं, एमएलए था उस दौरान, दो तीन बार मैं घुमा, हमें पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, हम तो ग्रामीण इलाके से कॉलेज किया, लेकिन मैं काफी प्रभावित हूं इस कैंपस से, और मुझे बताया नेताओं से खतरनाक चिढ़ते हैं बच्चे, और मैं अधिकतर पैंट शर्ट ही पहनता हूं, लेकिन पता नहीं आज ही मैंने पहन लिया ये, बाकी मैं नहीं पहनता हूं, मुझे सूट भी नहीं होता ज्यादा, लेकिन आज ही पहन लिया, और आज ही जेएनयू आना हुआ, अवश्य आप लोगों में से ही निकला हूं मैं स्टूडेंट ही था उस दौरान, एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए बना, और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे एमपी बनाया, शानदार बैंडेड देके बनाया मुझे, और मैं अवश्य
मेरे क्षेत्र की और मेरे इलाके की जो बात है उसके साथ देश लेवल और आपका जो इशू चल रहा है वर्तमान में जो एनटीए को भंग करने का, उसको पुरजोर तरीके से हम लोग रखेंगे नए सिरे से। पूरे विपक्ष ने इसको रखा था, पूरे विपक्ष ने उस मुद्दे को लेके वॉकआउट किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई नेशनल मीडिया भी इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रही है। 2 से 3 बार उठा मुद्दा ये, एक बार नॉर्मली किसी मीडिया में आया था, लेकिन हम जब तक सदन चलेगा, जब भी अवसर मिलेगा, आज आपका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अवश्य इसके 0/100 या किसी भी नियम प्रक्रिया के तहत मैं इसको लगाऊंगा और अवश्य आपकी बात को लोकसभा के अंदर रखेंगे, क्योंकि आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं और कोशिश करेंगे आपकी भावना के अनुरूप इस देश के अंदर एजुकेशन व्यवस्था। सर एक बात कह रहे थे, जो पॉलिसी बन रही है न्यू एजुकेशन को लेके पॉलिसी बनी, उसको भी मैंने देखा थोड़ा बहुत, और जो कोई भी पॉलिसी बन रही है उद्योगपति दे रहे हैं सलाह, उद्योगपति दे रहे हैं और उद्योगपति चाहते हैं कि इस देश का युवा एक शार्प माइंडेड, अच्छी क्वालिटी का नहीं एक लेबर निकले, वो चाहते लेबर पैदा हो ताकि उनकी कंपनियों में एज ए वर्कर के रूप में काम करें। बहुत सारी पॉलिसी ऐसी आई, अभी उन पॉलिसी के अंदर देखा कि हमारे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है और उस जगह पे हम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते लेकिन करवा जरूर सकते हैं हमारी बात को पुरजोर तरीके से रख के, और अवश्य करवाएंगे। मेरा एक जगह कार्यक्रम और था पर भाई साहब ने जीत के आना ही पड़ेगा। मैं भी स्टूडेंट लाइफ से रहा, मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बना था और वहीं से राजनीतिक करियर शुरू किया। और एक बात अंत में बोलना चाहूंगा, अधिकतर बच्चे यूथ में ये रहता है माहौल बना जाता है पॉलिटिक्स गंदी होती है दूर रहना चाहिए, ये माहौल रहता है, लेकिन राजनीति के थ्रू ही जो लोग जाते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं हमारे लिए, तो पॉलिटिक्स से हमें भागना नहीं, हमें इसमें ब्रीफ करना है, उसको समझना है, अच्छी जगह अच्छी पॉलिसी मेकर लोगों को, अच्छी विचारधारा को फॉलो करना है। आपकी विचारधारा बिल्कुल इस संगठन की होगी, थोड़ी बहुत मैंने भी जानकारी ली क्योंकि हमारे वहां कुछ विशेष विचार संगठन ही रहते थे, इस संगठन की आइडियोलॉजी के बारे में भी जानकारी मिली, लगभग हमारी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी लगभग मेल करती है। और मैं ये जो एनटीए वाला जो इश्यू है, पेपर लीक वाला जो इश्यू है, उस पर कहना चाहूं किसी भी संगठन के बच्चे हो, सारे संगठन के बच्चों को एक मंच पे आना चाहिए, यहां पर एबीवीपी, एनयूसीआई या पीएसए अलग अलग नहीं जाना चाहिए, ये कॉमन समस्या है, उसका समाधान हम सबको हर बैनर तले, और जो भी बैनर इस डिमांड को अगर नहीं उठाता है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट के हित का है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक माहौल बना हुआ, जितने संगठन है अगर इस इश्यू को नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपका इश्यू है, स्टूडेंट का इश्यू है, आपके भविष्य का इश्यू है, अगर कोई भी संगठन इसको नहीं उठाता है और सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए यहां पर बैनर झंडे ये माला वाला करके रखता है तो मुझे नहीं लगता है वो स्टूडेंट के हित से सिर्फ पॉलिटिक्स चाहते। तो ऐसे संगठन के खिलाफ भी आपको मोर्चा खोलना है जो नहीं आए, हालांकि आए उनको सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आपकी बात को अवश्य हम लोकसभा में रखेंगे और जरूर कोशिश करेंगे विपक्ष में रहकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। धन्यवाद, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।